हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सब के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार बेन 10 और ग्रीन स्टेशनरी का कलेक्शन। और ये सारी चीजें मैं एक एक करके आपको बहुत डिटेल में दिखाने वाला हूँ, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और ऐसी ऐसी चीजें जो आपने कभी भी नहीं देखी होंगी गाइज लाइफ में। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं गाइज, देखते हैं क्या क्या आज हमारे पास। सबसे पहले यहां पर हमारे पास है एक बैंड 10 की वॉच। ये देखो, ये एक फिटनेस बैंड स्टाइल में वॉच है। यहां पर देखोगे तो आप टाइम देख सकते हो, यहां पर हर जगह बैंड 10 लिखा हुआ है और बैंड 10 प्रिंटेड है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और इसकी स्ट्रैप बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करते। और आप इसको हाथ पर कुछ इस तरीके से पहनोगे तो बिल्कुल एकदम फैंसी भी लगेगी, अच्छी भी लगेगी और एक फिटनेस बैंड की लुक भी ये देगी। यहां पर हमारे पास बहुत ही प्यारी एक गन है ग्रीन कलर की, आपको दिख रही होगी। ये एक इरेजर है, इससे आप इरेज कर सकते हो। देखो पूरी रबर की बनी हुई है और इससे आप खेल भी सकते हो इस तरीके से। और यहां पर हमारे पास बैंड 10 की एक और वॉच है। यहां पर आप देख सकते हो पूरा बैंड 10 के जो है फेस, यहां पर बॉडी प्रिंट दी गई है, उसके बीच में यहां पर सेंटर में वॉच दी गई है। इधर देखोगे तो यहां पर बैंड 10 है और यहां पर बैंड 10 लिखा हुआ है यहां पर भी। और इसका स्ट्रैप भी बहुत मुलायम है और ये भी अगर आप हाथ में पहनोगे तो बहुत ही शानदार लगेगी। सबको पता लगेगा कि आपने बैंड 10 की वॉच पहनी हुई है और जो बैंड 10 के फैन है ना उनको तो कुछ ज्यादा ही पसंद आएगी वाली वॉच। यहां पर हमारे पास एक बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर का आपको टॉय जैसा डायनासोर नजर आ रहा होगा गाइस, ये एक पेंसिल शार्पनर है। जी हां, और आपको कैसे यूज करना है, यहां से आपका इसका फेस ऊपर करना है और यहां आप देखोगे यहां पर एक होल दिख रहा होगा आपको, यहां से आपको पेंसिल को डालना होता है। पेंसिल को डाल के 4-5 सेकंड आपको ऐसे गोल गोल घुमाना होता है और इतनी देर में आपकी पेंसिल जो है बढ़िया शार्प हो जाती है और सारा डस्ट इसी के अंदर कलेक्ट हो जाता है जो इसके पेट में से आप इस तरीके से ओपन करके निकाल सकते हो। देखो हमने पहले पेंसिल शार्प की थी तो थोड़ा सा डस्ट यहां पर पड़ा हुआ है तो सारा डस्ट यहां पर इसके पेट में ही कलेक्ट हो जाता है और वापस से इसका मुंह आप ऐसे बंद कर सकते हो या फिर ऐसे ओपन करके भी आप इसके मुंह में से पेंसिल शार्प कर सकते हो, है ना कितने कमाल की। यहां पर हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त कीचेन है, ये है गाइस ड्रैगन बॉल जी का कीचेन, यहां लिखा ड्रैगन बॉल जी। अब ये ड्रैगन बॉल जी का कौन सा कैरेक्टर है इसका नाम बताओ, जो लोग एनीमे वगैरह देखते हैं उनको इसका नाम जरूर पता होगा। देखते हैं किस किस को पता है और किस किस को जो है नहीं पता है। और यहां पर हमारे पास एक बहुत ही प्यारी डोम्स की इरेजर है, देखो डोम्स स्पोर्ट्स इरेजर बोलते हैं इसको, दिखाता हूं मैं आपको। ये है एक डोम्स की स्पोर्ट्स इरेजर, आप देख सकते हो इसके अंदर रेसिंग कार दी गई है ओपन रूफ वाली, देखो एकदम मस्त लग रही है ना गाइस, ये रबर की पूरी बनी हुई है इसलिए बोलते हैं इसको डोम्स की स्पोर्ट्स इरेजर। और यहां पर हमारे पास एक बहुत ही प्यारा आप देख रहे हो एक पाउच आपको नजर आ रहा होगा भालू वाला, यहां पर भालू का फेस बना हुआ है और देखो ये बहुत ही मुलायम है, इसको आप कैसे भी मोड़ लो वापस से जैसे छोड़ोगे अपनी शेप में खुद ही आ जाता है। यहां से जिप ओपन करके आप इसके अंदर अपनी फेवरेट स्टेशनरी आइटम्स वगैरह रख सकते हो और इसके अंदर स्टेशनरी के अलावा भी और भी चीजें आप रख सकते हो। और ये जहां आप रख दोगे ना शीशे वगैरह पे चिपक जाता है तो यहां पर चिपकू भी दिया गया है तो काफी शानदार है ये। यहां पर हमारे पास एक 4x4 टॉय कार है और आप देखोगे तो ये काफी स्टाइलिश कार है, आप इसको इस तरफ से भी चला सकते हो इस तरफ से भी, तो दोनों तरफ से सीधी है ये। और ये 4x4 कार है, देखो एक व्हील घुमाता हूं तो चारों व्हील इसके घूमने लगते हैं और ये बहुत ही फास्ट घूमती है गाइस, बहुत तेज भागती है, दीवार के ऊपर भी चढ़ के पलट जाती है, उसके बाद भी रुकती नहीं है, चलती हुई चली जाती है, काफी शानदार है ये। यहाँ पर एक फ्रॉग आपको दिख रहा होगा गाइस, ये एक पेंसिल शार्पनर है, यहाँ पर देखो कि दो दो होल है पेंसिल शार्प करने के लिए, यहाँ से पेंसिल शार्प करके बाद में आप ऐसे डस्ट को निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर दो दो ब्लेड दिए गए हैं इसके अंदर। यहाँ पर एक स्पेस का पेन है हमारे पास, स्पेस एस्ट्रोनॉट पेन है, देखो ग्रीन कलर का पेन है, यहाँ पर एस्ट्रोनॉट है और यहाँ से कैप हटा के पेन को यूज कर सकते हो। देखो काफी कमाल का लगेगा ना जब इससे लिखोगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। यहां पर हमारे पास आपको कॉर्न दिख रहा होगा, भुट्टा दिख रहा होगा, यहां से पेंसिल डाल के शार्प करो और यहां से डस्ट निकाल लो। ये रहा इसका ब्लेड, काफी शानदार है ना, ये भी काफी यूनिक चीज है। यहां पर एक और हमारे पास पेंसिल शार्पनर है, स्माइली वाला पेंसिल शार्पनर है और आप इसके सिर के पीछे से पेंसिल को डाल के शार्प कर सकते हो और यहां से आप डस्ट निकाल सकते हो। और देखो एक चीज है यहां पर लिखा हुआ है हेलो और ये विक्ट्री का साइन दिखा रहा है यहां पे। और इधर हमारे पास बहुत प्यारी एक और स्टंट कार है, ये भी 4x4 कार है और सबसे बड़ी बात है ना इसके अंदर सॉकर्स वगैरह दिए गए हैं तो आप देखोगे तो ये कार जो है दबती नहीं है, देखो खड्डे वगैरह रुकने वाली कार नहीं है क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबल स्प्रिंग्स वगैरह दिए गए हैं। और ये भी 4x4 कार है, एक व्हील घुमाओ तो चारों ही व्हील घूमने लगते हैं देखो। और इसकी जब चलते हुए किस तरीके से इसके टायर्स ऊपर नीचे होते हैं, ऐसा होने से क्या होता है खड्डे वगैरह में ऊंचे नीचे रास्ते में भी ये बहुत आराम से कार जो है चल पाती है। यहाँ पर एक ग्रीन कलर का आपको गोल गोल ये कुछ नजर आ रहा होगा, ये एक मैजिक कप है। ये मैजिक कप कैसे यूज करते हैं, इसको आप कहीं बाहर जाते हो तो इसको पॉकेट में लेकर जा सकते हो, फिर इसको ओपन करोगे और ऐसे झटका मारोगे ऊपर की तरफ, ये देखो कप इसमें से बाहर आ जाता है। इसके अंदर आप चाय कॉफी जूस पानी कुछ भी पी लो और वापस से इसको ऐसे बंद कर सकते हो और पॉकेट में रख सकते हो या फिर पर्स में रख सकते हो, इतना आसान है इसको कैरी करना, इसीलिए इसको बोलते हैं मैजिक
कप, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का बहुत ही शानदार फिजेट स्पिनर आपको नजर आ रहा होगा, और इसको आप इस तरीके से घुमाओगे तो देखो क्या जबरदस्त घूमता है, और देखो देखने में बहुत यूनिक लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और देखो क्या बढ़िया लग रहा है ना गाइस देखने में, क्या डिजाइन लग रहा है देखने में, आ रहा है ना गाइस मजा देखने में, इसको बहुत ही जबरदस्त है। इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, प्लास्टिक बॉडी का बना है उसके बावजूद ये बहुत अच्छा चलता है। यहाँ पर हमारे पास बेंटन की एक और वॉच है, इधर देख सकते हो आप टाइम आ रहा है, यहाँ पर बेंटन की वॉच है, यहाँ पर बेंटन है, और यहाँ पर देखो बेंटन एलियन है, यहाँ पर बेंटन ओमनिवर्स लिखा हुआ है। अब इस वॉच की खासियत ये है, इसके अंदर गाइज लाइट बहुत अच्छी चलती है, यहाँ पर एक बटन दबाओ तो इसके अंदर बहुत सारी कलरफुल लाइट्स ब्लिंक होने लगती है, देखो हो रही है ना गाइज कितनी अच्छी अच्छी लाइट्स ब्लिंक। इसके अंदर म्यूजिक नहीं है, बस इसके अंदर लाइट्स है, तो टाइम देखना हो रात के समय तो आप लाइट जला के टाइम भी देख सकते हो, और साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी लगते हैं जब आप इसकी रात के समय में लाइट जलाते हो। इसके अंदर 4-5 तरह के कलर्स की लाइट जलती है। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही प्यारा डायनासोर का पेन है, यहाँ पर देखो डायनासोर का फेस है, और पीछे देखो कांटेदार लुक दी गई है एकदम कमर पे, और यहाँ से आप कैप हटा के पेन को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी शानदार और प्यारा पेन है, टॉय पेन भी लगता है देखने में तो। और यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही प्यारा पाउच है बेंटन का, देखो यहाँ पर बेंटन प्रिंटेड है, और बेंटन एलियन वगैरह भी प्रिंटेड है। यहाँ से आप स्ट्रैप है, यहाँ से जिप ओपन करके इसके अंदर अपनी फेवरेट स्टेशनरीज वगैरह आप रख सकते हो, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना गाइस ये छोटा सा पाउच। यहाँ पर एक और वॉच हमारे पास वो है पेंसिल बॉक्स ग्रीन कलर की, यहाँ आप देख सकते हो दो पैरट्स बने हुए हैं, और यहाँ पर देखो ये इसके अंदर मेज गेम दिया गया, यहाँ पर जो गोलियाँ हैं उनको आपको यहाँ पर सेंटर में लाना होता है, देखो इस तरीके से लाने के बाद आप इसको गोली को अब यहाँ पर बीच में लाने की कोशिश करते हैं, और जो काफ़ी टफ गेम है गाइज, ये तीन गोलियाँ यहाँ पर बीचों बीच आपको लाने, बहुत मज़ा आता है इस गेम को खेलने में। यहाँ से कैप ओपन करोगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ए टू जेड लिखा है, 1 से 9 तक गिनती भी लिखी हुई है, और यहाँ से 3 पेंसिल लॉक हो जाएंगी, और इसको हटा के भी आप इसमें चीज़ें रख सकते हो, काफ़ी शानदार है ना गाइज। और यहाँ पर हमारे पास एक कैलकुलेटर वॉच है बेंटन की, वो भी तो यहाँ पर देखो ऑन का बटन है, ऑन करते ही यहाँ से कैलकुलेटर ऑन हो गया, इसके अंदर कैलकुलेशन वगैरह आराम से कर सकते हो आप लोग। और यहाँ पर एक बटन है, इसको दबाओगे यहाँ पर 2-2 होल ओपन होते हैं पेंसिल शार्प करने के लिए, और यहाँ से आप बाद में डस्ट निकाल सकते हो। और इस कैलकुलेटर वॉच को ओपन करके आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर 3D बेंटन का एक स्टिकर दिया गया, आप चाहो तो वॉच को कैलकुलेटर को अंदर कर सकते हो, और स्टिकर को ऊपर की तरफ भी कर सकते हो। और यहाँ पर आप ये देखो इसके अंदर एक टेबल लैंप भी मिला है, इसकी लाइट जला के रात के समय स्टडी वगैरह कर सकते हो, और यहाँ पर स्टेशनरी वगैरह रख सकते हो, और यहाँ पर भी रख सकते हो, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ही स्पेस है इसके अंदर। यहाँ पर हमारे पास एक छोटा भीम का लंच बॉक्स है, देखो क्या बढ़िया लग रहा है, यहाँ पर छोटा भीम है, और गाइज इसका और इस कैरेक्टर का, इन दोनों का नाम जल्दी से कमेंट में बताओ कि इन दोनों का नाम क्या है। और यहाँ से आप देखो इस लंच बॉक्स को ओपन करोगे तो देखो इसके अंदर क्या क्या मिलता है देखने के लिए, तो लंच बॉक्स को ओपन करते ही देखो इसके अंदर एक मिनी लंच बॉक्स है, इसके अंदर सब्जी अचार वगैरह लेकर जा सकते हो देखो, और यहाँ पर एक मिनी स्पून इसके अंदर साथ में हमें मिली है, तो देखो इससे खाना खाने में बहुत मज़ा आएगा, है ना कितनी ज़बरदस्त, और ये वापस से ऐसे बंद भी हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक हेलो किटी का टॉय आपको नजर आ रहा होगा, ये एक पेंसिल शार्पनर है, इसकी नोज के अंदर पेंसिल को डालना है आपको, टूटी हुई पेंसिल हो जिसकी टिप शार्प ना हो आपको पेंसिल को डालना है, और हैंडल को गोल गोल घुमाना है, और आपकी पेंसिल शार्प हो जाएगी, और बाद में आप इसके अंदर से कचरा निकाल सकते हो, ये देखो एक ट्रे इसके पीछे ही है, यहाँ से कचरा निकाल सकते हो, सारा का सारा जो भी इकट्ठा होगा वो इसी के अंदर स्टोर हो जाएगा। आप 8-10 बार पेंसिल शार्प हो जाओगे तब ये जब जाके ये फुल होगा फिर आप खाली कर लो इसको। यहाँ पर एक पेंसिल बॉक्स है हमारे पास स्कूल पिकनिक वाला, इसके अंदर देखो कितने सारे एलियंस जो है एनिमल्स जो है पिकनिक जा रहे हैं, एलिफेंट लायन टाइगर हिप्पोपोटामस पांडा बेयर, और ये देखो एक और राइनोसोरस है, और यहाँ पर देखो एक लेपर्ड इस बस को चला रहा है, और यहाँ पर देख रहे हो तो व्हील, और ये व्हील घूमते भी आप जमीन पर इसको चला करके भी खेल सकते हो। यहाँ पर इसके अंदर 2-2 सेक्शन है, एक ये रहा सेक्शन और एक सेक्शन यहाँ पर है, तो 2-2 पोर्शन एक तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों तरफ इसके अंदर स्टेशनरीज आप आराम से रख पाओगे। यहाँ पर एक लंच बॉक्स है ग्रीन कलर का हमारे पास छोटा सा, देखो यहाँ पर एलिफेंट और जिराफ है, और यहाँ पर एक बेयर भी है यानी कि भालू, और यहाँ से आप खोलोगे लंच बॉक्स को और यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर एक मिनी स्पून मिलती है और एक मिनी बॉक्स मिलता है, और बाकी का एरिया है उसके अंदर सब्जी रोटी या चावल आप लेकर जा सकते हो। और देखो छोटा सा है ना, कितना क्यूट लग रहा है, एक मिनी लंच बॉक्स है, जो लोग छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये वाला लंच बॉक्स तो बहुत ही कमाल का है। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही प्यारा इरेजर्स का सेट है, देखो ग्रीन कलर का बॉक्स है तो इसके अंदर लिखा इरेजर्स, तो देखते हैं इसके अंदर कौन सी इरेजर निकलते हैं। इसके अंदर मेरे हिसाब से गाइस एनिमल वाली इरेजर्स हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे फनी फनी एनिमल्स यहाँ पर हैं, तो दिखाता हूँ मैं आपको निकाल के कितनी बढ़िया लगेगी ये। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है एक एलिफेंट, पिंक एलिफेंट की इरेजर, इसके बाद यहाँ पर एक कैमल की इरेजर है,
इसके बाद यहाँ पर एक जिराफ की इरेजर है, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर एक स्नेक की इरेजर भी है, इसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही प्यारा कोआला मंकी वाली इरेजर है, पर्पल कोआला है। यहाँ पर एक मंकी वाली इरेजर है, देखो कैसे उल्टा लटका हुआ है मंकी। और यहाँ पर एक हिप्पोपोटामस की इरेजर भी है जिसकी टंग पिंक कलर की नजर आ रही है। तो कितनी प्यारी प्यारी एनिमल इरेजर यहाँ पर हमारे सामने है। यहाँ पर हमारे पास एक और वॉच है, देखो क्या बढ़िया लग रही है। ये बैंड 10 की वॉच है, इसको बाहर निकालते हैं। और एक लाइट और म्यूजिक वाली वॉच है, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे काम करते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं। लिखा है यहाँ देखो टाइम, आप देख सकते हो, ऊपर तीन बटन, इनका यूज़ बताता हूँ। सबसे पहले इसको नीचे कर देते हैं। अब आपको टाइम देखना है तो आप ऐसे टाइम देख लो, और टाइम नहीं देखना है तो ये बटन दबाओ और ये ओपन हो जाता है। टाइम भी देख सकते हो और म्यूज़िक भी इसके अंदर चलने लगता है। ये देखो ये बटन दबाओ तो लाइट भी जलने लगता है, म्यूज़िक भी जलने लगता है। तो काफ़ी बढ़िया लग रही है ना, और आपके हाथ पे कितनी बढ़िया लगेगी ना गाइस। ये बैंड 10 की वॉच, आप इसको ऐसे बंद करके ऐसे खोलोगे, लाइट और म्यूज़िक आएगा, कितना स्टाइलिश लगेगा ना। और आपके फ्रेंड्स देखकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस भी हो जाएंगे आपसे। यहाँ पर हमारे पास बैंड 10 की जंबो पेंसिल बॉक्स है, वो भी कैलकुलेटर वाली। तो यहाँ पर एक ऑन का बटन है, इसको ऑन करते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑन हो गई, आप कैलकुलेशन वगैरह आप कर सकते हो। यहाँ पर देखो काफ़ी बढ़िया कैलकुलेटर है। और यहाँ पर ऑफ का बटन है, ऐसे ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ चार बटन दिए गए हैं, पहले बटन से शार्पनर ओपन होगा, दूसरे बटन से इरेजर रखने का स्पेस है, और तीसरे और छोटे बटन में आप अपनी पॉकेट मनी या फिर क्रेयॉन्स वगैरह छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें रख सकते हो। और ये सारे स्पेस हम इजीली बंद भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ओपन करोगे, इसके अंदर पेंसिल्स लॉक कर लो, यहाँ पर अलग चीज़ें रख लो, और पीछे की तरफ अपने जो है अपना स्केल कंपास डिवाइडर सेट स्क्वायर वगैरह रख लो, और यहाँ पर नेम और क्लास लिख लो। काफ़ी बढ़िया है ना। यहाँ पर हमारे पास एक पोलो कंपनी का एक छोटा सा मैथ जीनियस वाला पेंसिल बॉक्स है, देखो काफ़ी बढ़िया है स्टाइल, इसकी लुक बहुत अच्छी है। और इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर कोई ट्रे वगैरह नहीं है, यहाँ पर सीधा आप यहाँ पर बहुत सारी स्टेशनरीज रख सकते हो। तो डायरेक्ट आप रख सकते हो, इसके अंदर कोई अलग से आपको स्पेस खोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एक स्पार्टन वॉरियर्स वाली पेंसिल बॉक्स है, जो कि यहाँ पर कैप्टन अमेरिका दिया गया है, और ये ग्रीन कलर का कैप्टन अमेरिका है। इसको यहाँ से ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद देखोगे ट्रे है, ट्रे के ऊपर तीन पेंसिल लोक हो जाएंगी, और ट्रे के नीचे भी बाकी की स्टेशनरी आपकी आराम से आ जाएगी। और यहाँ पर अभी हमारे पास और भी चीज़ें हैं, अभी हमारे पास एक और देखो एक बैग है यहाँ पर, काफ़ी बढ़िया सा, देखो कितना बढ़िया लिया लिखा है फॉर एवर यंग। और इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर दो जिप दी गई हैं, तो जिप ओपन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर एक स्ट्रैप है बड़ी, और इस स्ट्रैप को आप लगाओगे तो बैग बन जाता है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर भी चीज़ें रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, इसके बीच में भी रख सकते हो। अब इसको हम बंद कर देते हैं, अब हम लगाते हैं स्ट्रैप और इसको बैग बनाकर देखते हैं कैसा लगेगा। तो एक स्ट्रैप हम यहाँ पर लगा देंगे और दूसरी स्ट्रैप हम लगा देंगे इस वाले एरिया में। अब ये बैग बन गया हमारा पूरा, तो ये देखो अभी पूरा प्रॉपर बैग बन चुका है, और देखो कितना स्टाइलिश ये लग रहा है। इसको आप गर्ल्स को स्पेशली ये बैग बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही प्यारी ग्रीन कलर की जंप रोप है, और ये पांडा बेयर वाली जंप रोप है, दिखाता हूँ मैं आपको निकाल के। तो ये रही हमारी जंप रोप, और कुछ इस तरीके से ये इस बॉक्स के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है, और इसे आप यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पर पांडा बेयर है, और यहाँ पर भी पांडा बेयर दिया गया, बीच में इसकी जंप रोप है। काफी कमाल की जंप रोप है ना गाइस, काफी बढ़िया लगती है देखने में। और लास्ट में गाइस हमारे पास सभी का फेवरेट, सभी को जो पसंद आएगा वो है एक बैंड 10 का बैग। ये एक स्कूल बैग है, और यहाँ पर देखो बैंड 10 3D स्टाइल में बना हुआ है एकदम। और यहाँ पर एक चार हाथ वाला बैंड 10 एलियन है, और एक ये रहा बैंड 10 एलियन, और एक ये देखो क्रिस्टल जैसा बैंड 10 एलियन है। और यहाँ पर भी, और यहाँ पर तो बैंड 10 की ओमनीट्रिक्स वॉच भी है। यहाँ पर स्ट्रैप दिया गया है शोल्डर पर टांगने के लिए, और यहाँ से आप इसको कहीं कील वगैरह पर टांग सकते हो, आप इसको यहाँ से पकड़ के भी लेकर जा सकते हो। यहाँ पर वाटर बॉटल लगा सकते हो, और यहाँ पर आप देखोगे तो दो दो सेक्शन है। सबसे पहले ये वाला सेक्शन है, इसके अंदर यहाँ से जिप ओपन करके यहाँ पर भी आप चीज़ें रख सकते हो, और यहाँ से जिप ओपन करके यहाँ पर भी आप बहुत सारी अपनी बुक्स वगैरह नोटबुक्स वगैरह रख सकते हो। तो दो दो स्पेस इसके अंदर मिले हैं। तो कैसा लगा बैंड 10 का बैग कमेंट में जरूर बताना। तो मैंने एक एक करके सारी स्टेशनरी आइटम आपको दिखा दी, सारे गैजेट सारे टॉय सब कुछ दिखा दिया। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक जरूर जरूर करना, वीडियो को व्हाट्सएप पे फेसबुक पे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ भी शेयर करना, और वीडियो के कमेंट में जरूर बताना कि आज के वीडियो में आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी। और चैनल पे अगर आप नया चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के आइकन को दबा लेना, ताकि ऐसे मैजिक वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। दोस्तों बाय बाय दोस्तों।